नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 5वें ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के तीसरे दिन के दूसरे सत्र का भव्य रूप से शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिस एग्रिम रही, साथ ही ब्यूटिशियन मिस उपासना अरोड़ा, इंडियन स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष मिस्टर जेपी सिंह, केसीसी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन शरद कोहली भी शामिल रहे। स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर प्रोफेसर रितु लाल ने सभी अतिथियों को फेस्टिवल बैच देकर कार्यक्रम की शुरुआत। मैंने यहाँ देखा वो इतना खूबसूरत था कि मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है, जैसे और सब लोगों के पास वर्ड्स नहीं है। आफ्टर स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग की स्टूडेंट कृति जैन के द्वारा डायरी भी रिलीज की गई। 5वें ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक का तीसरा और आखिरी दिन बेहद शानदार रहा, जिसमें अलग अलग देशों से फ्लावर्स से प्रेरित होकर डिजाइनर्स ने कपड़े तैयार किए और मॉडल्स ने उन्हें रैंप पर बेहद खूबसूरत तरीके से पेश किया। खूबसूरत अंदाज में इस फैशन शो ने दर्शकों का मन मोह लिया। अतिथि और स्टूडेंट्स भी इस शो से बहुत प्रभावित और प्रेरित हुए। Really want to express my admire to these all designers who have shown their. I cannot imagine how it's incredible. They put so much effort in designing such wonderful, beautiful dresses. And models are so beautiful. As a whole, Indian ladies are so beautiful. Thank you so much. बहुत बढ़िया। मैंने अभी वहाँ पर भी बोला कि मैं अभी पीछे मिलान और लंदन होके आया और वो भी इसके मुकाबले फीका पड़ गया। इतना बढ़िया काम किया डिज़ाइनर्स ने, कोरियोग्राफर्स ने, मॉडल्स ने, द वे दे कैरीड देमसेल्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग। मुझे इन डिज़ाइनर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है और मैं इन सबको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। कौन सा फैशन कलेक्शन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? वेल, किसी एक को अच्छा कहेंगे तो बाकी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। सारे ही बहुत अच्छे थे। आई थिंक ईच एंड एवरी डिज़ाइन, वो इतने सारे थे कि उसको मैं अंदर कोशिश कर रहा था याद रखने की, पर क्योंकि इतने सारे थे, बट दे वर ऑल आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली सभी ने बहुत अच्छा काम किया। सर, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, फैशन और डिज़ाइनिंग के फील्ड में? यूथ को मैसेज यही है कि वो इस लाइन में थोड़ा सब्र चाहिए होता है। हमने देखा है कि डिज़ाइनर्स जब बनते हैं तो जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तब जाके उनका नाम होता है, ऐसा माना जाता है, पर ऐसा है नहीं। अगर आपका काम अच्छा है तो आप बहुत छोटी उम्र से, बहुत यंग एज से ही आप एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। अपने काम पे विश्वास रखिए और बहुत जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत मिक्स टाइप के रिएक्शंस मिलते हैं, तो अगर अपने आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपने काम पे बिलीफ हो, अच्छा काम करिए एंड यू विल बी डूइंग वेल। सर, आखिरी सवाल, संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संदीप मारवा इज अ जूअल इन द क्राउन। आई मीन ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई मीन द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग, जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया है उनकी और वहाँ से नगीने निकल के आते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज 5वें ग्लोबल फैशन वीक, फैशन और डिज़ाइन वीक का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है और आखिरी इवेंट होने जा रहा है। बेहतरीन तांता लगा हुआ है चारों तरफ से, देश भर और दुनिया भर से बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर हमें प्रोत्साहित किया है और आज सुबह भी तुनिसिया की एम्बेसडर और यहाँ पर कंबोडिया की एम्बेसडर और चार्ज डफेयर जो हैं वो मंगोलिया के, ये सभी लोग यहाँ मौजूद थे। और खुशी इस बात की है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा डिज़ाइनर्स को इस पूरे प्रोग्राम में प्रोत्साहित किया जा रहा है। करीब 700 ड्रेसेस का कारीगरी सामने दिखाई गई है, 52 मुल्कों ने भाग लिया है और सब जोड़कर इन 9 इवेंट्स के अंदर करीब 90 राउंड हम लोगों ने तैयार किए हैं। मुझे लगता है कि पेंडेमिक के बाद देश का ये सबसे बड़ा अब तक का प्रोग्राम सिद्ध होगा और इतने सारे डिज़ाइनर्स को एक साथ प्रोत्साहित करने का बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि विभिन्न देशों की जो ड्रेसेस हैं वो एक साथ एक मंच पर जब प्रदर्शित की जा रही हैं तो लोगों को हमारे जो तात्पर्य है, जो मकसद है इस कार्यक्रम का, कि लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, वो सामने सिद्ध होता नज़र आया है।
सर बहुत ही ब्यूटीफुल शो था तीनों दिन, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी होगी, उसके बारे में क्या? तीन महीने से तकरीबन आप समझे कि 300-400 लोग काम कर रहे हैं, तब जाकर आज आपको ये सारा कार्यक्रम सुंदर खूबसूरत नज़र आ रहा है। और मैं तो बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की, हमारे पूरे AFT फैशन और डिज़ाइन डिपार्टमेंट की, जिन लोगों ने तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा सब जो है वो एक साथ दावे पर लगाकर और आज के इस कार्यक्रम को तैयार किया है। इस खूबसूरत कार्यक्रम को तकरीबन 500 से भी ज़्यादा देश भर और दुनिया भर की जो मीडिया हाउसेज हैं वो कवर कर रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि भले ही क्योंकि पेंडेमिक में हर आदमी इन हालातों में पहुंच नहीं पा सकता, आ नहीं सकता, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास मिला है कि इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से हर मुल्क के अंदर दर्शाया जाएगा। तीनों दिन बहुत ही शानदार रहे हैं और जैसे कि मैं बता दूँ कि ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक हमारा ये 5th एडिशन है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस, लगभग 52 देशों के कलेक्शन इसके अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर्स जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और जिस तरह के कलेक्शंस हैं और जिस तरह की यू नो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो वहाँ की स्पेशलिटी थी, और कवियों से लेकर के नेचर से लेकर के दुनिया भर की सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के जो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पेश किए हैं, जितने भी डिज़ाइनिंग क्लोथ्स हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो फैशन स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। संदीप मारवा सर के लिए क्या? संदीप जी का जो एक विजन है वो हमेशा बहुत ही बार एक्सलेंस उनका विजन रहता है, वो बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत आगे तक देख सकते हैं और जो ये जो 52 देश जो हमारे फेस्टिवल के साथ में जुड़े हैं ये उन्हीं का ही आइडिया है और कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो अंतर्राष्ट्रीय सोच है और उसी का ही परिणाम है कि जो आप इस तरह की एनर्जी और इस तरह की रंग और इस तरह की यू नो ऊर्जा देख पाते हैं। बर्थडे बहुत ही सुपर्ब था। मैं हरिप्रिया, मैं बैक साइड ऑफ द स्टेज काम करती हूँ, आई मैनेज ऑल द इवेंट्स एट मारवा स्टूडियोज एंड हमारी जो मेहनत है आई थिंक वो आपने पिछले 2 दिनों में और आज भी देखी होगी। सो डे की अगर बात करें सो इट वॉज इम्पेकेबल। फैशन एंड डिज़ाइन यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? फैशन एंड डिज़ाइन यूथ के लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक बच्चा छोटा सा कोई भी एक सपना देखता है तो वो सोचता है कि मैं इस सपने को पूरा करने के लिए किस हद तक जाऊँ। तो जो फैशन एंड डिज़ाइन यूथ जो है हमारा वो कहीं ना कहीं यही सोचता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो जहाँ भी उसे पहुँचना है तो उसके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो ये देख सकता है कि हमारा बच्चा कैसे हमने प्रिपेयर किया है, उसकी स्टार्टिंग, उसका जो भी उसकी प्रिपरेशन है वो आप इस फैशन फेस्टिवल के थ्रू देख सकते हैं।